आज मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी है, तो इस मौके पे एक हॉकी एग्जीबिशन मैच हो रहा है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो इन्होंने वॉलीबॉल टूर्नामेंट किया ये काफी फायदेमंद है, लाइक एक्सपोजर मिलता है कि हम बहुत सारे डिफरेंट टीम्स, और इतना मजा आ रहा है हमें यहाँ खेलने में, बहुत अच्छी अच्छी टीम्स यहाँ खेल रही है, तो एक डिफरेंट माहौल है जो हमें नहीं मिलता बाकी जगह खेलने के लिए। जो यहाँ यूटी गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जिससे लोगों को और मौका मिल रहा है, बच्चों को और मौका मिल रहा है इस पे खेलने के लिए। तो अब लड़कों का ध्यान भी अच्छा इसकी तरफ बढ़ गया है, लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनको फ्यूचर भी नज़र आ रहा है, तो वो तो ध्यान दे रहे हैं, अच्छा है, उनका कैरियर बन जाएगा इन चीज़ों से। हर डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम्स, हॉकी स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम्स बना रहे जा रहे हैं, एवेन्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं यूथ के लिए, और इसका रिजल्ट भी आ रहा है। हमारे जो फेलो प्लेयर्स हैं बाकी गेम्स में या हर किसी गेम में, तो वो मेडल्स ला रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। एक काबिल तारीफ बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एलजी साहब के लिए के, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशली, कि वो इतने एफर्ट्स दे रहे हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि खासकर यूथ के लिए, अगर ये एंगेज नहीं रहेगा सपोर्ट के साथ तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो गलत काम है उनमें लग जाते हैं, जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं। तो सपोर्ट्स की वजह से ये इनको एक तजर्बा देता है कि जो ड्रग्स है ड्रग्स को आप अवॉइड करो, आप सपोर्ट्स में आ जाओ, जिसमें इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी सेहत जो है वो बढ़ जाएगी। जो ये सारा है यहाँ की मैनेजमेंट है, यहाँ इतने अच्छे से हमें यहाँ पर लाया गया, बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ है, होटल हमारा अच्छा है, खाना अच्छा दिया, फिलहाल जो ब्रेकफास्ट हमने किया रिफ्रेशमेंट्स भी है, तो ओवरऑल सारा अच्छा है।